सकता है। आगे बढ़िए कंपनीज पर खास कर नजर करिए तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस से पोताना परिणाम जाहिर कराया था। ओवरऑल जो परिणाम ऊपर तुम नजर करो एमने जो नेट इंटरेस्ट इनकम है लगभग 25% थी वत्तो जो मिली रहा है અને ત્યારે જ એમનો જે ચોખ્ખો નફો છે એમાં પણ લગભગ 100% સુધીનો વધારો થતો જોવા મળી રહ્યો છે। અને ત્યારે જ તમને જણાવું કે એમના જે માર્જિન્સ છે એમાં પણ સારો સુધારો થયો છે। પ્રોવિઝન્સ લગભગ 20 કરોડથી વધતા જોવા મળી રહ્યા છે। અને ત્યારે જ એમના પરિણામ પર વધુ વાતચીત કરવા માટે આપણી સાથે જોડાય રહ્યા છે કંપનીના સિનિયર વીપી રવિન્દ્ર કુંદુ। રવિન્દ્ર સ્વાગત હૈ આપકા શો પર। सबसे पहले जिस तरह से आपने रिजल्ट्स पोस्ट किया आपकी जो टॉप लाइन है उसमें क्लियरली एक अच्छी बढ़त देखने को मिली है। बॉटम लाइन ऑलमोस्ट एक 16% से बढ़ती हुई दिखी है। क्या की ड्राइवर्स रहे इस ग्रोथ के? देखिए टॉप लाइन तो डिसबर्समेंट तो हमारा फोकस रहा है, लेकिन पिछले 2 साल से हम लोग स्पेशली कलेक्शन पे ज्यादा फोकस दे रहे हैं। तो कैसे करके हमको एनसीएल कम करना है, कैसे करके कॉस्ट को कम करना है, उस पर ही पूरा फोकस रहा है। इसी के कारण हमारा जो है प्रॉफिट ऊपर गया है पिछले तिमाही में भी और इसके पहले तिमाही में भी। ओके लेकिन जिस तरह से प्रोविजंस आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ाते हुए देख रहे हैं, सीक्वेंशियली आपके प्रोविजंस बढ़ रहे हैं, क्या आप मान रहे हैं कि आगे जाके भी जो आपके एनपीएल है वो थोड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं? आप जिस अग्रेशन से आप डिसबर्समेंट कर रहे हैं पर आपने दूसरी तरफ ये भी बोला कि कलेक्शंस पर भी आप फोकस कर रहे हैं, तो प्रोविजंस में ऑलमोस्ट 20 करोड़ की बढ़त क्यों देखने को मिली है? नहीं है, एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि Q4 के ऊपर जो Q1 में जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर आप इस तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं तो लास्ट ईयर में हमारा जो मार्च 2014 के ऊपर Q1 में जो इंक्रीज था वो 70 पैसे के आसपास बढ़ा था। अभी जो है इंक्रीज बहुत कम है, अभी 20 बिप्स ही ऊपर गया है। तो एनपीए जो है अब धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगा है। प्रोविजन में वृद्धि हो रही है लेकिन उस रेट में नहीं हो रही है जो लास्ट ईयर हो रही थी। तो वो एक जो है संतोषजनक परिणाम है जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम आगे, जैसे मानसून खत्म होगा और ये काम चालू होगा सेकंड क्वार्टर से, तो धीरे धीरे और इम्प्रूव होगा। ओके सर, अगर हम सेगमेंट रेवेन्यूज की बात करें, कौन से सेगमेंट में आपको सबसे अच्छी डिमांड देखने को मिली है? क्या वो व्हीकल रहा या होम इक्विटी रहा या फिर जिस तरह से सेगमेंट में एक रेवेन्यूज आते हुए दिखे किस तरह से देखने को मिल रहे थे? होम इक्विटी में तो हमारा कंसिस्टेंटली पिछले कई तिमाही से लगातार अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। व्हीकल पे अभी अब हेवी कमर्शियल व्हीकल में पिछले क्वार्टर में उसके पहले क्वार्टर में हमको अच्छा इंक्रीज मिला, मार्केट भी अच्छा बिहेव करने लग गया है। लेकिन अभी स्मॉल कमर्शियल व्हीकल और लाइट कमर्शियल व्हीकल जैसा बिहेव कर रहा था 2012 में वैसा अभी नहीं बिहेव कर रहा है। तो वो हेवी कमर्शियल व्हीकल के साइड से ज्यादा बेनिफिट है, बट लाइट कमर्शियल व्हीकल स्मॉल कमर्शियल व्हीकल में अभी जो ग्रोथ आनी है वो अभी देखनी बची है। इसके सिवाय हम लोग पुराने गाड़ियों में जो फाइनेंस करते हैं उसमें भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो वहां से भी हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है। ओके सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपका जो स्मॉल एंड लाइट कमर्शियल व्हीकल है वहां से अभी इतना बिजनेस आते हुए नहीं दिख रहा है, पर जिस तरह से अब मॉनसून पैन आउट होते हुए दिखा है, क्या मान रहे हैं आने वाले क्वार्टर में वहां उस सेगमेंट से भी आपको अच्छी खासी डिस्पर्समेंट आती हुई दिखेगी, डिमांड काफी बढ़ती हुई दिख रही है आपको? मैन्युफैक्चरर जितने भी है वो ऐसा बोल रहे हैं, मतलब हम लोग तैयार है। अगर मार्केट ऊपर जाता है, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास करीब करीब 529 ब्रांचेस है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और इधर आप देख लीजिए मेघालय से लेके भुज तक सारे तरफ हमारे ब्रांचेस हैं, मैन पावर रेडी है। जैसे जैसे मार्केट इंप्रूव होगा हमारा डिस्बर्समेंट डेफिनेटली ऊपर जाएगा। ओके सर, वहीं पे अगर होम इक्विटी की बात करें, कितना डिस्बर्समेंट आपने इस क्वार्टर में किया है और डिमांड कैसे पैन आउट होती हुई दिख रही है आने वाले क्वार्टर्स में? क्या छोटे घर की जो डिमांड है वहां पे बढ़ती हुई दिख रही है या फिर जो प्रीमियम है या फिर जो लग्जरी ब्रांड्स है वहां से ज्यादा आपको एक डिमांड आती हुई दिख रही है? क्योंकि जिस तरह से रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं रियल इस्टेट का जो ओवरऑल सेक्टर है वो भी अभी डाउनफॉल देख रहा है, तो किस तरह से आपको डिमांड दिखती हुई दिख रही है? होम इक्विटी में जो हमारा अभी फिलहाल फोकस है वो है सेल्फ एम्प्लॉयड जो एसएमईज है उनको हम जो है लोन देते हैं उनके बिजनेस के आधार पे, उनका बिजनेस कैसे चलता है, और वहां पर हमारा जो ग्रोथ रहा है वो 16% के आसपास रहा है और वो कंटिन्यूसली उसी लेवल पे बना हुआ है। आने वाले दिनों में भी हम चाहते हैं कि कम से कम इतना बना रहे। ओके सर, आगे आने वाले क्वार्टर्स में आपका डिस्पर्समेंट का लेवल क्या होगा, क्या गाइडेंस आप देख रहे हैं आने वाले क्वार्टर्स, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 के लिए?
जो ग्रोथ रेट हमने दिया है Q1 में उससे डेफिनेटली ऊपर जाएगा। जैसे आज हम 16-17% होम इक्विटी में है या व्हीकल फाइनेंस में 12% के आसपास है। जैसे जैसे डिपेंड करता है मार्केट, अगर मार्केट अच्छा बिहेव करता है तो इससे ऊपर भी जा सकता है। ओके सर, अगर हम कॉस्ट ऑफ फंड्स की बात करें तो मोस्टली आपका जो डिपेंडेंसी है वो बैंक्स पे रहा है बोरोइंग में। ऑलमोस्ट 60-70% आपका जो बोरोइंग है वो बैंक से आता हुआ दिखा है। क्या पिछले वाले क्वार्टर में आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स डिक्लाइन होते हुए दिखे, कोई भी एक घटौती दिखने को मिली है? और आगे आने वाले क्वार्टर्स में क्या आप मान रहे हैं कि अब जिस तरह से लेंडिंग रेट्स कम हुआ है बैंक्स के, आपको फायदा होते हुए दिखेगा या फिर आप बोरोइंग मिक्स जो है उसमें आप कोई फेफा करेंगे? नहीं, बोरोइंग मिक्स में हमने पूरी कोशिश की है चेंज करने की पिछले एक साल में, और आप देखेंगे Q1 लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमको बेनिफिट मिला भी है थोड़ा बहुत, और उसमें हमारा लगातार प्रयास है कि हम कॉस्ट ऑफ फंड को और अच्छा करें जिससे कि हमारा PBT और हमारा प्रॉफिट इम्प्रूव हो, तो वो इम्पोर्टेंटली मिक्स चेंज करने से ही आएगा। ओके और आपका कॉस्ट ऑफ फंड कितने डिक्लाइन होते हुए दिखेंगे अगर आप मान रहे कि लेंडिंग रेट्स भी घट सकते हैं? ओवरऑल एक बॉल पार्क फिगर? नहीं, 30 बिप्स के आसपास लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमको अभी बेनिफिट हुआ है। आने वाले दिनों में ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्केट, माने हमारी कोशिश है कि या तो कम से कम इस लेवल पे या इससे थोड़ा और इम्प्रूवमेंट कर दिया जाए। ओके और साथ ही RBI से कल क्योंकि पॉलिसी है, क्या मानना है आपका, कितना रेट कट की कोई अपेक्षा है? और अगर आती भी है, क्या आपको लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में बैंक इसका ट्रांसमिशन बहुत जल्दी कर देगी? सारे एनालिस्ट बोल रहे हैं, सारे एनालिस्ट वेट कर रहे हैं, बट कब होगा मालूम नहीं। ओके सर, साथ ही हम मान रहे हैं कि आपने गोल्ड बिजनेस से अब एग्जिट ही कर लिया है? हाँ, एग्जिट कर लिया है। ओके तो क्या आने वाले दिन में आपका जो प्रोडक्ट मिक्स है या पोर्टफोलियो है इसमें कोई भी आप कोई भी चेंजेस करने की सोच रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, स्टडी रहेगा। जैसा हमारा व्हीकल फाइनेंस होम इक्विटी के बीच में जो मिक्स बना हुआ है हम उसी लेवल पे रखने वाले हैं। और कितना मिक्स है ऑन एन एवरेज? AFC स्टेटस जो है हमारा बना हुआ है और 70% के आसपास जो है हमारा व्हीकल फाइनेंस रहता ही है हमेशा। ओके और सर, आने वाले क्वार्टर्स में व्हीकल फाइनेंस का ओवरऑल मार्केट आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बढ़ सकता है? स्पेशली आपका जो कमर्शियल व्हीकल है, हैवी कमर्शियल व्हीकल से आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले फुल FY16 के लिए, क्या गाइडेंस रहेगा? आउटलुक जो है, लॉन्ग टर्म आउटलुक जो बाकी एनालिस्ट बता रहे हैं वो 12-15% का है हैवी कमर्शियल व्हीकल का, और लाइट कमर्शियल व्हीकल मोर लेस वही 5-7% के आसपास रहेगा, और स्मॉल कमर्शियल व्हीकल में थोड़ा डिक्लाइन रहने वाला है। ओके सर, आखिर में NIMS पे बात करना चाहूंगी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस बार कितने परसेंट पे आते हुए दिखे हैं और आगे जाके क्या इस लेवल पे स्टेबलाइज होते हुए दिखेंगे? कोशिश तो यही है नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस लेवल पे बना रहे। अगर हमारा पोर्टफोलियो अच्छा रहेगा और इनकम रिवर्सल कम रहेगा तो इसी लेवल पे रहने वाला है जी, इसी लेवल पे मेंटेन होता हुआ दिखेगा। तो ओवरऑल आप कॉन्फिडेंट है आगे जाके जो बेस रेट है वो कम हो सकता है? शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिस्कशंस करने के लिए। तो आ था चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस ना सीनियर VP जो मानी रहा है अमनारा क्वार्टर्स में अमना जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन से ऑलमोस्ट 8% पर स्टेबलाइज થતા જોવા મળી શકે છે અને સાથે જે કમર્શિયલ વ્હીકલ નું બિઝનેસ છે એ જે આ ક્વાર્ટર છે એના કરતા વધુ સુધરતું જોવા મળી શકે છે। ઓવરઓલ હોમ ઇક્વિટી બિઝનેસ માં પણ આવનારા દિવસોમાં સુધાર આવતો જોવા મળી શકે છે। ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત એ છે કે અહીંયા પ્રોવિઝન્સ ના વધવાના બાદ ભી આપણે જોયું છે કે એમનો જે ચોખ્ખો નફો છે એ લગભગ 100% થી વધતો દેખાણો છે। આગળ જતા જો જે બેંક છે એ બેઝ રેટ પોતાના ઘટાડે છે તો અહીંયા એમને જે નેટ ઇન્ટરેસ્ટ માર્જિન છે એમાં એક ખાસો ફાયદો થતો જોવા મળી શકે છે। એના સાથે જ ઓવરઓલ એમને જે ગોલ્ડ લોનનો જે બિઝનેસ છે હવે અહીંયાથી એક્ઝિટ લઈ લીધું છે, જે કંપની માટે ખૂબ જ પોઝિટિવ સાબિત થતો જોવા મળે છે। કેમ કે અત્યારે જે રીતે આપણે ગોલ્ડના પ્રાઇસીસ આવતા જોવા મળ્યા છે તો અહીંયા એક પોઝિટિવ સ્ટેપ કંપનીએ લીધો છે। અને ઓવરઓલ આપણે જોયું ચોલામંડલમનું જે કાઉન્ટર છે આજના ટ્રેડિંગ સેશનમાં જે રીતના ટ્રેડ કરતો જોવા મળી રહ્યો છે, જેટના રિઝલ્ટ આવતા દેખાણા હતા ત્યારબાદ ગ્રીન સાઇડ જ ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો, આજના ટ્રેડિંગ સેશનમાં થોડોક એક ડાઉનફોલ આવતો દેખાણો છે। લગભગ 1% સુધીનો ઘટાડો આપણને ચોલામંડલમના કાઉન્ટર પર આવતો જોવા મળે છે, લગભગ 684 ના લેવલ્સના આસપાસ આ કાઉન્ટર ટ્રેડ કરી રહ્યો છે।